देखिए, युवा जो है देश का भविष्य तय करते हैं। इस वक्त हम रक्सौल में मौजूद हैं, जो कि बेतिया लोकसभा के अंतर्गत आता है, और हमारे साथ कुछ युवा हैं। देखिए, उनसे जानेंगे कि इस बार क्या मोदी मैजिक जो है बिहार या देश में चलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार सिंह पड़ेगा। क्या लग रहा है कि मोदी के राज में विकास हुआ है बिहार में या जैसे कि देखिए रक्सौल हुआ या बिहार हुआ, हमारे मोदी जी हर जगह पे जहाँ भी हैं पहले अपना देश को बनाना चाहते हैं। अगर देश बनता है तो हमारा राज्य भी बनेगा, और राज्य से हम लोग का छोटा छोटा यहाँ पे शहर वो विकास होता है। तो सबसे पहले वहाँ पे मजबूत कीजिए, जहाँ लोग जाने से पहले के लोग जहाँ वहाँ जाते थे तो वहाँ पे इंडिया को मतलब एक गलत वे से देखा जाता था, वहीं पे आज लोग जाते हैं वहाँ पे तो एक मान सम्मान के साथ वहाँ पे बुलाया जाता है, उसको हर एक चीज़ किया जाता है। वैसे ही देखा जाए तो आज हमारे देश में मोदी को लाना बहुत ज़रूरी है, खासकर इस 5 साल के लिए, क्योंकि इस 5 साल में अगर मोदी आते हैं तो हर जगह पे उनका नाम रहेगा। और एक चीज़ और बोलना चाहते हैं कि लोग बोलते हैं कि 400 पार नहीं होगा, ये कंफर्म है कि अब की बार 400 पार आएगा और मोदी जी जीतने वाले हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हाँ, कुदो सा नाम है मेरा। क्या लग रहा है, विकास हुआ है रक्सौल में? बहुत जरूरत से ज्यादा, रक्सौल में नहीं पूरा बिहार विश्व में बहुत विकास किया है, बहुत ज्यादा, जितना नहीं चाहिए उससे ज्यादा किया है। रोड नाला पॉइंट प्यार लॉल बॉल बिजली सारा राशन फाशन सारा लोग पूरा किया है, मतलब ए से लेकर जेड चीज मिल रहा है, पूरा रेडी मिल रहा है, दावा दारू से लेकर पूरा मिल रहा है। नहीं, दारू तो बंद है, दावे से नहीं होता है, दारू तो बंद कर दिया है, जो नष्ट है जो उसको बंद कर दिया है। ये अच्छा कदम है ना? एकदम अच्छा कदम है। जो जाना को नहीं चावल मिलता था उसको चावल मिल रहा है, सब्जी मिल रहा है। इस बार रक्सौल और बेतिया की जनता क्या कर रही है बताइए? कह रहा है सर हाय मोदी, हाय मोदी, हाय मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, सारा घर घर चिल्ला रहा है बाबूजी। तो देखिए बाबा कह रहे हैं कि इस बार जो है जनता में शोर है कि घर घर मोदी, हर हर मोदी। आइए, और भी हमारा सफर जो है आगे बढ़ेगा, और भी युवा हैं, युवाओं से जानेंगे, क्योंकि भविष्य जो है युवा तय करते हैं। क्या लग रहा है इस बार मोदी सरकार आएगी, बहुत अच्छा काम किया है। सड़कें क्या लग रहा है, जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, सड़कें हो गई, बिजली हो गई, आयुष्मान कार्ड बने, क्या लग रहा है कि काम सब अच्छा हो रहा है? हाँ, काम सब अच्छा हो रहा है। बेतिया में जो भी गरीब को जितनी भी ज़रूरत थी, जो भी अभी तक हुआ है, फिर राशन से लेके या फिर जो भी कार्ड वार्ड बना, सब कुछ अच्छा है। जैसे अभी आयुष्मान कार्ड बन रहा है, जैसे गरीब लोग को इलाज के लिए बहुत उससे फ़ायदा हो रहा है। आज के देखिए, जैसे हुआ आयुष्मान कार्ड, पहले के में क्या था कि जो गरीब परिवार के बुजुर्ग लोग थे उनको हॉस्पिटल जाते टाइम पैसा नहीं रह पाता था, तो सही ढंग से इलाज नहीं मिल पाता था, केवल सदर जाते थे, सदर हॉस्पिटल में जाके वैसे ही इलाज मिलता था। लेकिन आज क्या है कि आज कहीं भी जाए, जहाँ भी आयुष्मान भारत कार्ड मौजूद है, वहाँ पे गरीब या हो, मतलब बड़े बुजुर्ग कोई भी हो, उनको मोदी जी ने 4 लाख योगदान दिया है, क्योंकि उनका सेहत एकदम बना रहे, और कोई भी ऐसा अन्य बातों में मतलब जो भी उनका शरीर से संबंधित कोई दिक्कत हो उसके लिए सब मोदी जी कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं। इसके लिए एकदम 100% हमारे मोदी जी आने मतलब वाले युवा, हैं। युवा जो है संजय जायसवाल को वोट कर रहे हैं। हाँ, युवा जो है संजय जायसवाल को वोट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को लाना ही मकसद है मोदी का लाना। चलिए कुछ और युवा है, देखिए इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितेश कुमार है। नितेश जी, विकास हुआ है बिहार में? बहुत हुआ है। मोदी जी क्या लग रहा है कि जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने किया है? हाँ, जो मतलब बोले वो सब किए। राम मंदिर बनवाए, CA को हटवाए। अच्छा, POK का मामला चल रहा है अब राजनाथ सिंह, और कहा है कि अगले बार जब हम सत्ता में आएंगे तो POK जो है वो अब भारत का हिस्सा होगा। भारत बिल्कुल मिल जाएगा। है अखंड भारत होगा। अच्छा, राम मंदिर को निर्माण को किस तरह देखते हैं आप? युवा हैं, युवा पीढ़ी कहते हैं कि देश के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में सबसे अग्रणी भूमिका में रहते हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है कि एक अच्छा कदम है? जी बिल्कुल अच्छा कदम है। अच्छा, विपक्ष लगातार जो है कह रही है कि संविधान खतरे में है, विपक्ष खतरे में है, विपक्ष खत्म, मतलब विपक्ष खतरे में है।